हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। कार्मी सिस्टम में चल में आपका स्वागत है। मैं जीतू यादव, आज आपके लिए लेकर एक और नया वीडियो। गाइस, आज का वीडियो है न्यू ब्रीज़ा के ऊपर। हम इसमें इंस्टॉल करेंगे आपका ब्रीज़ा का सिस्टम और ये चीज़ें जो स्पीकर है आपके स्टेज वन जो आते हैं इस टाइप के आएंगे। ये चारों दरवाज़ों में लगेंगे और प्रॉपर जो स्टूडियो कैसा फिक्स होगा मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। अगर वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो समझ में आया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबा दें। तो भाई, जैसा कि हमने यहाँ से फ्रेम जो कंपनी फिट लगा हुआ था वो हमने निकाल दिया है। कुछ इस टाइप का है, पहले ये निकलता है आपका, उसके बाद अभी निकलता है। अब जो हम एंड्रॉइड स्टूडियो लगाएंगे पूरी कपलर टू कपलर वायरिंग होगी, वायरिंग में कोई भी कट वगैरह नहीं आएगा। जो हम फ्रेम इसमें इस्तेमाल करेंगे वो कुछ इस टाइप का होगा। इसमें आप ये लॉक देख सकते हो, ये जो लॉक्स हैं ये जो हमारा कंपनी फिट फ्रेम लगा हुआ था इसमें से ही निकला है, क्योंकि हमको लगाना ज़रूरी है। नहीं तो क्या होता है, कोई गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो आपका ये स्टूडियो बाहर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो प्रॉपर वायरिंग हो गई है, अब इसमें भी वायरिंग करेंगे हम। तो भाई, जैसे वायरिंग की बात करें प्रॉपर वायरिंग हुई है कपड़ा। इसका जो पीछे मेन केबल है कोई भी कट नहीं है उसके अंदर। तो जो आपका जेबल का जो स्पीकर है हमने कुछ इस टाइप से यहाँ लगाया है। वारंटी कार्ड है, बॉक्स है। इसके चारों दरवाजे में स्पीकर लगेंगे और सेट आपका इंस्टॉल हो चुका है। अभी मैं इसके फीचर्स दिखाऊंगा। सो गाइस, प्रॉपर फिक्स हो गया आपका TS-10 बास बूस्टर। सबसे पहले मैं आपको इसकी मेमोरी दिखाऊंगा। एंड्रॉइड वर्जन 12 है, 4GB रैम है, 32GB इंटरनल मेमोरी सिस्टम, प्लेटफॉर्म TS-10 बास बूस्टर। साइड्स की लाइट्स को आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। टच की बात करें काफ़ी स्मूथ टच है, प्रॉपर फिक्स हुआ है, कोई भी गैप नहीं है। चारों दरवाजों में स्पीकर लग चुके हैं इसमें और फीचर्स काफ़ी सारे मिलेंगे इसमें आपको। क्रोम रेडियो, म्यूज़िक वीडियो, ब्लूटूथ, BT म्यूज़िक सेटिंग, फाइल मैनेजर, प्ले स्टोर, मैप, कार सेटिंग, यूट्यूब, स्पॉटिफाई, इमेज स्कैन, AV-IN, प्राइम वीडियो, कार इन 4DSP, हर चीज़ मिलेगी। इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी इसके अंदर जिसके बारे में आपको जानकारी चाहिए आपको यहाँ से मिलेगी। इसमें आपको थीम्स मिल जाएंगी 3-4 अलग अलग तरीके की, जैसे आपको सेट करनी है। मैं तो आपको 3-4 बोल रहा हूँ, काफ़ी सारी थीम है इसमें, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ, मेरा कुछ फ्रंट लुक इस टाइप का है, अब मुझे चेंज करना है तो मैं आप थीम में जाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर टच करूंगा और मुझे ये थीम कुछ ज़्यादा ही पसंद आ रही है तो इसको टच करूंगा और यहाँ टच कर दूंगा। ये प्रॉपर ऑटोमेटिक सेट होने के बाद ऑटोमेटिक बैक हो जाएगा, ठीक है। और जो कुछ लुक आएगा वो उसका कुछ इस टाइप का आएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। कुछ इस टाइप का लुक आएगा। इसमें मिलेगा आपको जेड लिंक का ऑप्शन, इसके थ्रू आपका एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले दोनों ही चलेगा। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, सबसे पहले आपको कनेक्ट करना है यहाँ से ब्लूटूथ, हमने कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है आपको, जाना है सीधा जेड लिंक पर टच करना है, ठीक है। तो वैसे कुछ इस तरीके से प्रॉपर कनेक्ट हो जाएगा। ये मैंने आपका कनेक्ट किया है एंड्रॉयड ऑटो, ठीक है, जो चल रहा है। आपको अगर एप्पल यूज़ करना है तो आप एप्पल का फ़ोन कनेक्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिक चलेगा। बात करें इसकी वीडियो क्लैरिटी की, ऑसम क्लैरिटी है, किसी भी एंगल से कोई नेगेटिविटी नहीं है। IPS स्क्रीन है, गोरिल्ला ग्लास है, इसमें लगा हुआ है QLED। पिक्चर एंड पिक्चर का आपको ऑप्शन मिल जाएगा इसमें। मिलेगा आपको DSP, इलेक्ट्रॉनिक DSP कहते हैं इसे, सब वूफर ऑन ऑफ हर चीज़ मिलेगी। लाउडनेस सराउंड का दोनों ही ऑप्शन है इसके अंदर, मतलब पूरा स्टूडियो कंप्लीट फुल बेस्ट फीचर्स के साथ मिलेगा आपको।